चाट, बेल और समोसे वाली खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे प्लेट पे मैंने ली है करीबन 100 ग्राम इमली। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सीडलेस इमली है, बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, कोशिश करके यही लीजिएगा। और मान लीजिए अगर आपके सीड्स हैं तो उसको अलग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको एक बोल में या फिर किसी भी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको भिगा लेंगे। तो भिगाने के लिए मैंने यूज़ किया है करीबन 1.5 से 2 कप गर्म पानी। गर्म पानी आप डालेंगे ना तो आपकी इमली जल्दी से सोख हो जाएगी। तो अगर आप गर्म पानी डाल रहे हैं तो इसको आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं, तो उसे सॉफ्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या कीजिएगा, अगर नॉर्मल पानी में भी भिगा रहे हैं ना तो 3-4 घंटा छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है तो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह घाई है तो फिर आपको क्या करना है, आप इसी पानी के साथ इसको उबाल सकते हैं। तो मैं भी वही कर रही हूँ, इसको मैं रख दूँगी उबालने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और फिर जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा इसको और उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इमली सॉफ्ट हो जाए और उसका पल्प अलग हो जाए। ये देखिए अच्छा सा उबाल आ गया है काफ़ी देर तक के, गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लेड लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे, तो क्या होगा, अपनी गर्माइश में इमली और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, पिसने में आसानी होगी और फिर इसको हम ठंडा करेंगे। तो लेड हटा के चेक करते हैं, देखिए इमली एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको मैश करके दिखाती हूँ, पल्प एकदम अलग हो गया है और ये ठंडी भी है कम्प्लीटली। जब ठंडी होगी ना फ्रेंड्स तो ही ट्रांसफर कीजिएगा मिक्सी में, इसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। तो फ्रेंड्स इसमें आपको अलग से पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसमें काफ़ी सारा पानी है और इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए एकदम स्मूथ प्यूरे रेडी हो गए, लेकिन इसको अभी हमें छानना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे गाँठे रेशे वगैरह हैं, तो वो सब अलग करना है। तो इसको अच्छे से छान लीजिए ताकि हमको स्मूथ इमली का बेस मिले। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको छान लिया, ऊपर आप देख सकते हैं रेशे वगैरह जो भी कचरा है उसको अलग कर देंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, वरना ये क्या होता है ना मुँह में आता है। और अगर आपका बेस ज़्यादा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए हमारा स्मूथ बेस तो रेडी हो गया, लेकिन इसको हमें आगे भी प्रोसेस करना है क्योंकि इसकी हमें बनानी है इमली की चटनी, और इससे क्या होगा इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। जिसके लिए पैन में मैंने गरम किया है 1 टेबलस्पून तेल, जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा, जीरे का क्रैकल होने का वेट करेंगे। और डाल रही हूँ मैं बिल्कुल थोड़ी सी हींग बढ़िया से फ्लेवर के लिए। और फिर क्या करेंगे, इस वक्त गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और जो इमली का पल्प हमने रेडी करके रखा था ना वो यहाँ पे डाल देंगे और इसको मिक्स करके पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इससे क्या होगा ना, पूरा कच्चापन निकल जाएगा इमली का, जो भी हमने पानी इसमें यूज किया है वो उड़ जाएगा, तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ये देखिए इसमें 2 से 3 उबाल आ गया है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कलर भी गहरा होते जा रहा है, तो इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर देंगे। और अब हम डालेंगे 100 ग्राम गुड़। तो मैंने क्या किया था, 100 ग्राम इमली लिया था, तो उसके सामने मैं यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम ही गुड़। अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी पसंद है तो आप 150 ग्राम गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जो गुड़ है ना उसको ऐसे एकदम चॉप करके, बारीक चॉप करके या फिर ग्रेट करके डालिएगा तो वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए गुड़ भी एकदम अच्छे से घुल मिल गया है इमली चटनी के साथ, और इसका जो थोड़ा बहुत पानी है ना उसको भी उड़ाएंगे, तो हम इसको और प्रोसेस करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बेसिकली इस चटनी को आप जितना अच्छे से पकाएंगे भूनेंगे ना, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है मतलब ज़्यादा दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। तो अब बारी आती है करीबन 3 मिनट के बाद मैं इसमें कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि हम बना रहे चाट्स वगैरह भेल के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इसे टेस्ट भी आएगा और इसका कलर भी एनहांस होगा। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, फिर देखिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, जो सूखे अदरक का पाउडर होता है ना वो। और मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो खास इसके लिए डब्बा खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इमली का पल्प आप मिक्सी में डालेंगे तो वहाँ पर 1-2 टुकड़े आप अदरक के भी डाल दीजिएगा छील के, तो उससे भी आपको बढ़िया सा अदरक का टेस्ट आ जाएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, तो सौंफ को मैंने हल्का सा भून लिया था, वैसे आप नहीं भी भूनेंगे तो चलेगा। और चकले बेलन में मैं इसको दरदरा मैंने पीस लिया, ये हम इसमें डाल देंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसको फिर से मिक्स करके पकाएंगे लो फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए।
ये देखिए आप जैसे जैसे पकाते जाएंगे ना ये चटनी एकदम गाढ़ी होती जाएगी, इसका कलर भी गहरा होते जाएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल जो चटनी होती है ना गाढ़ी गाढ़ी और एकदम ब्राउन कलर की, वैसा टेक्सचर आपको मिलेगा। अच्छा अब मैं एक और चीज़ डालने वाली हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून भर के शक्कर। जी हाँ, जो भी खटास है ना इमली की और थोड़ी बहुत खटास होती है गुड़ में अगर आपको पता होगा, तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए सबका फ्लेवर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली की जो चटनी है ना गुड़ और शक्कर के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस वाली बनती है। और फ्रेंड्स अगर आपको गुड़ नहीं यूज़ करना है तो आप ये पूरी चटनी सिर्फ शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन अब इस स्टेज में आपको अच्छे से और पकाना है ताकि जो शक्कर का पानी है वो पूरी तरीके से भून जाए और सूख जाए। ये देखिए पूरा कच्चापन निकल गया है, करीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, अच्छा सा कलर आ गया है, और जब आप बंद करेंगे ना इसको ड्राई होने देंगे यानी कि जब रेस्ट करेंगे, जब ये सूख जाएगी चटनी मतलब कि जब ठंडी हो जाएगी तो ये और भी ज़्यादा सेट हो जाती है। और फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, उससे क्या होगा हल्की सी खटास भी आ जाएगी और चटनी प्रिजर्व करने में साइट्रिक एसिड मदद करेगा, मतलब अगर आपको काफ़ी महीनों तक के रखना है तो ही आप डालिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वैसे भी चटनी 1 महीने तक की अच्छी रहती है फ्रिज पे। ये देखिए मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, टेक्स्चर दिखाती हूँ, एकदम थिक क्रीमी है, बैक ऑफ द स्पून को अच्छे से कोट कर रहा है ये देखिए। तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसको फिर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी जार या बोल में। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।